मेरे माता पिता के संघर्षों का देन है। मेरे पिता ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, मेरी माता भी विस्थापितों के की आवाज बनी, और ये विस्थापितों का संघर्ष हम लोग सब चलता रहेगा। पूरा परिवार बड़का गांव के विस्थापितों के लिए दिया है, और ये संघर्ष हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, और हम लोग उनके न्याय के लिए हमेशा आवाज़ बनते रहेंगे। मेरे पिताजी मेरे बचपन से ही मेरे आदर्श रहे हैं, हम उनके सिखाए हुए, उनको जैसे बचपन से देखे हैं कि वो दिन रात लोगों के लिए कैसे काम करते थे, वही हम सीख के और लोगों के बीच में जाके दिन रात पापा के ही सिखाए हुए रास्तों पर चले। आज इनका ही पापा का ही सिखाया हुआ देन है कि आज लोगों में इतना हम लोगों के प्रति इतना पॉजिटिव भावना है, और हम लोगों के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं माननीय न्यायालय को जो हम लोगों के साथ न्याय किया है, लेकिन ये काफ़ी डिले हो जाता है, जिसके वजह से बोलते हैं जस्टिस डिलेड तो जस्टिस डिनाइड, तो ये चीज़ हो रहा है। और मेरी माँ भी, उनके साथ भी न्याय होगा, जब तक उनको उनके साथ न्याय नहीं होगा हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई हम लोगों की छिड़ी है, इसको हम लोग जनता के पक्ष में लाके रहेंगे, और हम लोग न्याय सुनिश्चित करके रहेंगे। देखिए, बदला मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अभी भी है, हम हिम्मत और धैर्य रखे हैं, 7 साल के बाद निकल रहे हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर शिकन नहीं है, क्योंकि हम कोई चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार करके जेल में नहीं आए हैं, जनता की लड़ाई लड़ करके आए हैं। लेकिन आज जो है जल जंगल जमीन का जो लड़ाई लड़े हैं उसको बरकरार रखेंगे, जनता के हित में ये सरकार जो है जनता के हित में काम करी और जनता के हित में काम करेंगे। राहुल गांधी बड़का गांव गए थे और उन्होंने आज जो भी किया है और जो भी आश्वासन दिया उसको आश्वासन में पूरा करेंगे, और कांग्रेस में एक लंबा लकीर खींचने का काम करें, आने वाले दिन में कांग्रेस का है, और हम दिखाएंगे पूरे दमखम के साथ, और झारखंड में एक अलग दिशा देंगे कांग्रेस के नेतृत्व में। जो मेरे ऊपर जुल्म ढाया गया था उसका नतीजा है कि फ्री में जो है 7 साल के बाद हम जेल से रिहा हो रहे हैं, और कभी कभी सत्य पर असत्य हावी हो जाता है, और उसी का परिणाम है कि सत्य में जयते नहीं हो पाया, और बहुत सा चीज़ों में न्यायालय के द्वारा मुझे न्याय मिला है, और न्याय का उम्मीद पूरा रखते हैं। और मेरी बेटी जो है इतना दिन से प्रतिनिधित्व बड़का गांव की है, बड़का गांव की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जेल में रहने के बावजूद भी दो बार, एक बार मेरी पत्नी को जिताया मोदी लहर में, दूसरे बार हमारी बेटी को जो आईएएस की तैयारी कर रही थी उनको जिताई, और एक लगातार कम से कम रात दिन मेहनत क्षेत्र में कर रही, जनता का हर विश्वास को जितने काम कर रही है। और विधानसभा में भी हमने देखे हैं कि मतलब आज जो 2013 कानून जो राहुल गांधी हमारे बड़का गांव आए थे, उन्होंने कहा था 2013 कानून लागू करवाना है, चूँकि यहाँ पर कारपोरेट लूट मचा हुआ है, और उसको लूट मचाने के लिए जो राहुल गांधी ने जो यूपीए गवर्नमेंट के समय जो भारत सरकार में उन्होंने 2013 का जो कानून लागू करवाया था उसको अनुपालन करवाना है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, चूँकि वो विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं 2013 में नहीं चलेगा सीबीएट और इलेक्ट, अब चलेगा 2013 कानून, और उसको अनुपालन करवाना है। और हमारी बेटी माननीय विधायक अम्बा प्रसाद को पूरा सहयोग मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, अनूप बाबू हमारे हैं, और जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर हमारे सीएनपी लीडर या प्रदेश पर अध्यक्ष प्रभारी सारे लोग मदद किए हैं, और हमको जो न्यूज़ के माध्यम में अखबारों के माध्यम से जो मिला है, बाकी अभी तो जेल से हम निकले हैं, बाकी बाहर का क्या दुनिया है, लेकिन मेरी आंदोलन जो है रुकेगी नहीं। जल जंगल जमीन का जो मामला है जिसके चलते सरकार बनी है, और राहुल गांधी ने भी कहा था कि जो जो आंदोलन में जो जो गलत हुआ है उसका जांच करवाएंगे, और जांच के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने सीआईडी को दिया है, उसका भी जांच होगा, और दो तीन चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी जो झारखंड में हमने देख रहा है 7 साल के दौरान में जो अनुभव किया है, मुख्यमंत्री ने भी इधर जो जितना भी काम है बहुत जनहित में बहुत सारा काम किए हैं, जैसे अभी खतियान वाला जो 1932 वाला पारा टीचर का, उसके बाद आंगनबाड़ी का, ये सब पेंशन, ये सब बहुत बड़ा काम इससे बूम हो गया है झारखंड में। और आने वाला दिन में अगर 2013 कानून लागू हो जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो इन्होंने रघुवर दास जो जी ने जो उसमें अमेंडमेंट किया था फॉरेस्ट राइट में, आज देखिए हाथी आ जा रहा है रोड पर और सारे जीव जंतु रोड पर आ रहे हैं, जिसके चलते जंगल समाप्त हो रहा है, जंगल में रहने के लिए ना शेर बाघ सब रोड पर आ जा रहे हैं, इस सबसे चलते जो है जंगल नहीं बचेगा, हमको पर्यावरण को रक्षा के लिए सिर्फ जंगल पर पेड़ लगाना नहीं है, पर्यावरण दिवस मनाता है लोग, लेकिन जंगल को बचा ले झारखंड को तो झारखंड का अस्मिता बच जाएगी। जिसकी शुरुआत निर्मला देवी से शुरुआत हुई, इस पूरे जिले की शुरुआत निर्मला देवी से हुई थी, आज वो नहीं है, हालांकि खुशी है लेकिन एक गम भी है, क्या कहें। निश्चित रूप से निर्मला देवी भी जेल से बाहर निकलेगी, एक आध महीना का समय है और न्याय मिलेगा, न्यायालय से पूरा उम्मीद है,
न्याय जिंदा है, कहीं न कहीं न्याय मिलेगा और हम निर्दोष होकर के इस सारे मामलों से, चूंकि अब एक दो मामला बचा हुआ है, 50 केस हम पर लादे गए थे, 50 केस में एक दो मामला है और एक दो मामला भी हम निर्दोष साबित होंगे। और जो मेरा लड़ाई है, आंदोलन है, वो आंदोलन जनता के हित में मेरा जारी रहेगा और ऐसा आंदोलन झारखंड में करेंगे कि जो देश देखेगा, दुनिया देखेगा आने वाले दिन में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।